गाइस यार मतलब मैं आज इंट्रो नहीं दूंगा कि हेलो गाइस तो कैसे हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा गाइस, मैं भी अभी काफ़ी मुसीबत में हूँ। मतलब मुसीबत नहीं, मुश्किल में हूँ कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि फ्री फायर बैंड हुआ है या भी नहीं, क्योंकि मुझे इतना दूर पता है फ्री फायर बैंड नहीं हुआ, क्योंकि बैंड होने का कोई तो ऐसे वैसे कोई रीज़न तो है नहीं। तो फ्री फायर क्यों बैंड होगा यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। मगर नेटवर्क कनेक्शन एरर जो कह रहे हैं ना, वो सिर्फ एयरटेल वालों को ही कह रहे हैं ज़्यादा, और बाकी कुछ ही लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि फ्री फायर के मॉडरेटर जो है वो लोग खुद कह रहे हैं कि जो फ्री फायर में मतलब गोल्ड और नाम का इवेंट है, उसके वजह से सारा मतलब गोलमाल हुआ है। तो वो एक उसके वजह से पूरा सर्वर डाउन चला गया था, ग्लिच हो गया था। तो फ्री फायर में बहुत सारे ग्लिचेस के वजह से इसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से रिमूव किया गया। ऑब्वियसली अब मैं कहूँगा कि फ्री फायर बैंड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मैं एक फ्री फायर प्लेयर हूँ तो ऑब्वियसली ऐसा ही कहूँगा। तो सो मुझे मुझे कुछ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को क्या कहूँ कि फ्री फायर बैंड होने का तो वैसे कोई रीज़न तो है नहीं, तो बैंड क्यों होगा। और बाकी तो फ्री फायर की मतलब जो वो लोग तो कहे मॉडरेटर्स जो है वो कहे कि ये ग्लिचेस है, तो ग्लिचेस सॉल्व हो जाने के बाद फ्री फायर वापस से देखने को मिल जाएगा। और एयरटेल वालों को ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो लोग अपनी जो कमी है वो छुपाने के लिए फ्री फायर के ऊपर मतलब दोष दे रहा है कि फ्री फायर का प्रॉब्लम है, मगर एयरटेल वालों का कमी है। एयरटेल का जो नेटवर्क स्पीड है वो स्लो हो चुका है, शायद उसका जो सर्वर है वो डाउन चला गया है और काफ़ी मुश्किलें आ रहा है। तो वो अपनी कमी छुपाने के लिए फ्री फायर को मतलब कहते हैं ना कि अपनी कमी छुपा के मतलब दूसरे की कमी ढूंढना, तो वैसा ही कुछ सीन है इधर। तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तो ये आप कर सकते हो कि आपके कोई दोस्त है जिसका नेटवर्क जियो है, तो उसका नेटवर्क की हॉटस्पॉट लेके आप फ्री फायर को ओपन कर सकते हो, देन आप अपनी एयरटेल के डेटा से खेल सकते हो। तभी पिंग थोड़ा हाई एंड स्लो आएगा, पिंग हाई आएगा, नेटवर्क स्लो होगा। मेरा भी हुआ, मैं कस्टम्स खेल रहा था, तो मेरा वोडाफोन है, जियो नहीं है। वोडाफोन में तो प्रॉब्लम्स नहीं है, वोडाफोन में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अभी मैं वोडाफोन की तारीफ तो कर दिया, अब मुझे ही झेलना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी नेटवर्क की तारीफ़ करो तो वो बुरा हो जाता है, अगर आपका पिंग सही आ रहा है तो उसका तारीफ़ करो तो वो बुरा हो जाता है, ऐसा ही होता है। हाँ गाइस, मुझे मतलब मैं फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मुझे पता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, किसी जियो आपके दोस्त के पास जियो नेटवर्क है तो उसकी हॉटस्पॉट लेके फिर आपने गेम ओपन कर लिया, देन आपने उसका हॉटस्पॉट लेना बंद कर दिया, अपने नेटवर्क से खेलना चालू कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो। और आपके पास वाईफाई है तो वो ऑब्वियसली आप उससे मतलब गेम खेल सकते हो, क्योंकि वाईफाई से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था, आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो टिल देन गाइस, बस इतना ही छोटा वीडियो था। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू गाइस।